योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुस्लिम युवकों के खाने में थूकने, पेशाब आदि करने की घटनाओं का पुरजोर विरोध करने का आह्वान किया है। योग गुरु रामदेव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर मुस्लिम धर्मगुरु चुप्पी साधे हुए हैं। कहा कि ऐसी घटनाओं से मुस्लिम धर्म और कुरान पाक का प्रचार नहीं होता है, मुसलमान और कुरान ऐसी घटनाओं से बदनाम हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, अर्थात माँ के रूप में प्रेम, करुणा, मैत्री, सुख, शांति, समृद्धि के रूप में हम माँ भगवती की आराधना करते हैं। और इस बार एक बहुत ही दिव्य संयोग है, नवरात्र की पूर्ण आहूति पर ही विजयदशमी भी है। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए, भाई कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्म गुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटनाएं हैं।